नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों आज शाम स्थानीय शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन निर्मित प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोविड संक्रमण काल के दौरान बेहद समर्पित भाव के साथ सरकार एवं प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोविड संक्रमित मरीजों की सेवा करने वाले पीडीएमसी अस्पताल के कामों की मुक्त कंठ से सराहना की। दूसरा ऑक्सीजन तो स्टील प्लांट मधून येत होता, तो आपल्या संपूर्ण विदर्भामध्ये ऑक्सिजन जवळपास 1% तयार होत नाही। अमरावतीला जे ऑक्सिजन आहे ते देवळीला एक प्लांट आहे, यवतमाळला दोन आहे आणि एक अमरावतीला, पण ते फक्त फिलिंग स्टेशन आहेत आणि त्यांचा ऑक्सिजन द्यायचं भिलाईवरून यायचं। त्यामुळे भिलाईच्या स्टील प्लांटमधून ऑक्सिजन मिळता मिळता एक दिवस तिथला ऑक्सिजन येणं कमी झालं। त्यानंतर जे ट्रक होते आणणाऱ्याचे ते दोन कंपन्या होत्या, एक आयनॉक्स कंपनी आणि एक लिंडे म्हणून कंपनी, दोनच कंपनी। चंद्रपूरला हॉस्पिटलच्या बाहेर ऑक्सिजन न मिळाल्यावर कोणी मृत्यूमुखी पडला, अशा अनेक घटना त्यावेळी होत होत्या। आणि त्या परिस्थितीमध्ये माझ्या लक्षात आलं की आपला थोडी मोठी चूक होती, की संपूर्ण महाराष्ट्र संपूर्ण देश ऑक्सिजनवर स्टील प्लांटवर अवलंबून आहे आणि एक रायगड जिल्ह्यातला स्टील प्लांट JSW, दुसरा स्टील प्लांट जमशे आपल्या आणि ट्रान्सपोर्ट कंपनी ट्रकही उपलब्ध झाला। याचा जो कॉन्ट्रॅक्टर होता विशाखापट्टणमचा, त्याच्याकडनं मी 4 ट्रक आणले। आजच इथे सुनील देशमुखकडे डॉक्टर संजय पैठणकर म्हणून आलात माझे मित्र, त्यांनी दुबईतून 250 कंटेनर सिलेंडर डोनेशनमध्ये पाठवले। दुबईतल्या दुसऱ्या एका माणसाने 1500 सिलेंडर पाठवले तिथल्या लोकांनी गोळा करून, पण सिलेंडरमध्ये ऑक्सिजन भरायला जागा नव्हती आणि ऑक्सिजन नाही, व्हेंटिलेटर नाही, कॉन्सन्ट्रेटर नाही, बायपॅक नाही, औषधही नाही, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आणि त्या 2 महिन्याच्या काळात। बता दें कि पीडीएमसी के कामों को देखते हुए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किए गए प्रयासों के चलते ही नागपुर के मैत्री परिवार के जरिए जिले का सबसे बड़ा ऑक्सीजन निर्मित केंद्र पीडीएमसी अस्पताल में स्थापित किया गया है, जिसका आज खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों ही विधिवत शुभारम्भ हुआ। शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख की अध्यक्षता में आयोजित लोकार्पण समारोह में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, महापौर चेतन गावंडे, सांसद नवनीत राणा, विधायक सुलभा खोड़के, विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल तथा पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान घर के प्रमुख व कर्ता पुरुष को खो देने वाले परिवारों की महिलाओं व बच्चों के लिए एक हाथ सहायता का कार्यक्रम आर्थिक मदद के साथ साथ उनका आधार भी बनेगा, इस आशय का विश्वास राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने व्यक्त किया। अपने एक दिवसीय दौरे के तहत अमरावती पहुंचे राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात के हाथों कोविड संक्रमण की वजह से बेसहारा हुए परिवारों की महिलाओं व बच्चों को उधर निर्वाह व नए व्यवसाय के लिए 30,000 रुपए का धनादेश वितरित किया गया। इस उपलक्ष्य में श्रीमती विमलाबाई देशमुख सभागृह में महिला आर्थिक विकास महामंडल, रामचंद्र युवक कल्याण तथा सह्याद्री फाउंडेशन की ओर से सहायता राशि वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर सहित विधायक बलवंत वानखड़े, जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख व जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुधाकर भार साखले बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। या सगळ्यामध्ये जी काही कुटुंब असे आहेत ते त्या कुटुंबातले मूल बालक निराधार झाले, पूर्णपणे निराधार झाले आणि त्यावेळेस यशोमतीताईने हा विषय सभागृहामध्ये याच्यामध्ये काढला आमच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये आणि त्या मुलांना काहीतरी रक्कम दिली पाहिजे, काहीतरी मदत आपण केली पाहिजे की जो कोणी सांभाळी त्याला तो बोजा वाटणार नाही इतकी व्यवस्था केली पाहिजे आणि त्यामधून महाराष्ट्रामधल्या पूर्ण निराधार झालेल्या बालकांकरताचा एक निधी हा पूर्णपणे वेगळा त्यांच्या प्रयत्नावर झाला आणि सगळ्या किती संख्या मला माहिती नाही बालकांची द्या, हजारो बालकांना तो निधी आता महिन्याला मिळत जाईल, जो कोणी सांभाळेल त्याला, कोणी नातेवाईक सांभाळेल, कोणी मामाकडे राहील, कोणी चलत धावापकडे करेल, सुट्ट्या करेल, सांगते करेल, त्यांचं कुठं कुठं कशी व्यवस्था होईल, त्या प्रत्येका करता त्याला महिन्याला पैसे मिळाले पाहिजे याची काळजी घेणारा अशा प्रकारचा निर्णय त्यामध्ये झाला। इसके साथ ही स्थानीय विश्राम गृह में राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात के हाथों अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालकों का सत्कार किया गया।
समोर सर उत्पन्नात शंभर मतांनी जिंकले ते बबलू देशमुख जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष यांचा सत्कार त्यानंतर आदरणीय हरिभाऊ बहोड यांचा सत्कार काही हरिभाऊ वजनदार आहे म्हणून पहिल्यांदा नाव घेतलं तसं ज्युनियर आहे संचालक इस समय बालासाहेब थोरात ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि जिला बैंक के चुनाव में विरोधियों द्वारा कांग्रेस पार्टी पर हमला किया गया और कांग्रेस को खत्म करने के लिए तमाम विरोधी एकजुट हो गए। बता दें कि जिला बैंक के चुनाव में महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री रहने वाले यशोमती ठाकुर व बच्चू कड़ू प्रतिस्पर्धी के तौर पर आमने सामने थे। वहीं प्रतिस्पर्धियों में राष्ट्रवादी कांग्रेस व शिवसेना के नेताओं का भी समावेश था। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोपों व ईडी की नोटिस के चलते यह चुनाव समूचे राज्य में चर्चित रहा। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने अपनी ही सरकार में सहयोगी रहने वालों को लेकर सनसनीखेज बयान दिया है जिससे काफी हड़कंप मचा हुआ है। की निवडणूक ही सुप्रीम कोर्टाला नव्हती ही वस्तुस्थिती आहे। अनेक ज्या शक्ती आहेत त्या पूर्णपणे कामाला लागल्या। कशा पद्धतीने काँग्रेस निवळ हा हल्ला यशोमतीताई किंवा बबलू भाऊ किंवा विनोद भाऊ यांच्यावर नव्हता तर काँग्रेसवर होता। अमरावती जिल्ह्यामध्ये काँग्रेस खूप ताकदवान आहे। तिथे धनाडीचे कार्यकर्ते आहेत आणि या सगळं काँग्रेसला संपवायचं असेल तर पहिले या कार्यकर्त्यांना संपवलं पाहिजे हा उद्देश ठेवून या बँकेमध्ये निवडणूक लढवली गेली आणि काँग्रेसच्या विरोधामध्ये सगळे एक झालेले आपल्या सगळ्यांना दिसतात। काही झालं तर ही निवडणूक जिंकायची म्हणून काय कोणते प्रयोग झाले नाही असं जर तपासायला गेलं तर माझ्या ते ही निवडणूक तुम्हाला वाटलं असेल महिना पंधरा दिवस चालली सहा महिने चाललेली होती। बँकेची निवडणूक सहा महिने चालली होती कारण आम्हाला मुंबईपर्यंत आवाज येतो। कोणत्या प्रकारचे प्रयोग झाले कशा पद्धतीने झाले किती प्रयोग झाले किती अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला हे जर पाहिलं तर किती मोठी लढाई तुम्ही जिंकली हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही। सगळ्या पद्धतीनं ज्या ज्या पद्धतीनं अडचणीत असतील ती प्रत्येक अडचण कमी करण्याचा प्रयत्न करा। सगळे संघटित झाले एवढंच नाही तर ईडी ऐकत असतो ईडी पुन्हा ईडी गेली की आपण समजतो मोठा माणूस शिकतो त्याच्यात ईडी गेली असेल असं आता ती ईडी कुठपर्यंत पोहोचली पार ही पार आता एका विरंजी जगताप यांच्या पार कुटुंबापर्यंत आणि त्या भगिनीला आमच्या नेमक्या त्या दिवशी बोलवलं गेलं ईडी ऑफिसला त्या दिवशी बंदोबस्त नव्हतं बरोबर चार तारखे तीस तारीख त्या दिवशी मतदान म्हणजे ज्या दिवशी मतदान त्या दिवशी बोलवलं जातं हे सगळं पाहिल्यानंतर किती मोठ्या प्रमाणावर डावपेच खेळले गेले आणि कोणत्या लेवलवरून खेळले गेले हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही। आणि म्हणून हा हल्ला केवळ मी मानत नाही की विनंतीवर होता बंधुभाव होता यशक्ताई होता तर हा सगळा काँग्रेसला संपवण्याकरता केलेला प्रचंड मोठा उद्योग होता। तुम्ही ही इतकी मोठी लढाई जिंकलेली आहे एवढी मोठी लढाई परत करण्याची पाळी काही तुमच्या येणार नाही आता बाकी सगळं सोपं मला वाटतं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई कूडो बेल्ट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों विभागीय क्रीड़ा संकुल में चषक व प्रशस्ति पत्र देकर सत्कार किया गया। इस समय आत्मरक्षा के लिए कूडो का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके प्रात्यक्षिक भी इन विद्यार्थियों ने अपने प्रशिक्षक असलम शाह के मार्गदर्शन में करके दिखाए। स्कूलों में विनर है मैं सेकंड विनर एडवोकेट रिया खान आरिफ गांधी
खेल बहुत अच्छा है। मैं प्रदर्शन किया बहुत ही खूबी से, महिलाओं ने अपना प्रोटेक्शन कैसा करना चाहिए, और मैं भी यही सोच रही थी कि इस स्पोर्ट्स को हम लोग ग्रामीण भाग तक और कैसे ले जाएं, और यदि ये मेरे डिपार्टमेंट के थ्रू हो पाया तो वो और अच्छा होगा। मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो मैंने जो सोची वो मैं जोर से बोल रही हूँ। अभी उसके ऊपर पॉलिसी वगैरह कुछ बनना है तो फिर वो देखा जाएगा कैसे किया जाएगा। दो दिन पूर्व तिवसा तहसील के कुर्रा पुलिस थानांतर्गत छिंदवाड़ी गांव में रहने वाली सेजल जाधव नामक 17 वर्षीय छात्रा ने अपने परिवार की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति के चलते अपने माता पिता को अपनी पढ़ाई लिखाई व शादी के खर्च के बोझ से मुक्त करने के लिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के चलते जिले का समाज मन विचलित हो गया था। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने तुरंत छिंदवाड़ी गांव पहुंचकर जाधव परिवार का ढाढ़स बंधाया। साथ ही सेजल के भाई बहन को पढ़ाई लिखाई के लिए दत्तक लेते हुए सेजल की बहन के विवाह का जिम्मा भी उठाया। इस समय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यशाली बताते हुए सभी युवाओं से आह्वान किया कि चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो, किंतु वे निराशा व अवसाद का शिकार न हो और इस तरह का कोई आत्मघाती कदम भी न उठाएं। एखाद्या विद्यार्थ्याने असा विचार करावा आणि स्वतःचा जीव संपावा हे तर खरोखर धक्का देण्यासारख्या या सगळ्या घटना आहेत। या जाधव कुटुंबियांमध्ये तीन लेकर यांना आहेत आणि एका लेकरानं आत्महत्या केली। माझ्यातर्फे मी त्यांना खरं आता काय शब्दात आपण किती समजावू शकतो, पण त्या दोन्ही जी पोरं आहेत त्यांचं पालकत्व त्या ठिकाणी मी आणि आम्ही मिळून घेतलेलं आहे। त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च दोघांचा आम्ही करू, आणि एक जी मुलगी आहे तिचं जान्हवी म्हणून त्या सेजलची लहान बहीण तिचं लग्नाचाही खर्च आम्ही करू। पण विद्यार्थ्यांमध्ये या सगळ्या घटना घडत आहेत हे समाजासाठी चांगलं नाही आहे, आणि आत्महत्या करण्याचं धाडस कसे करतात, का करतात, एवढं डिप्रेशन, खरं कुठेतरी कोविडमुळे हे सगळं घडत आहे का, हाही विषय विचार मनामध्ये येतो। पण जे काय घडलं ते अतिशय वेदनादायक आणि दुःखदायक घडलं। मानवता के महान पुजारी राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज के 53वें पुण्यतिथि महोत्सव के अवसर पर कल 25 अक्टूबर की दोपहर 4:58 पर लाखों गुरुदेव भक्तों द्वारा अपने गुरुदेव को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। प्रतिवर्ष गुरुकुंज मोजरी में आयोजित होने वाले इस मौन श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए लाखों गुरुदेव भक्तों का हुजूम उमड़ता है, किंतु इस वर्ष गुरुकुंज आश्रम में ध्यान गुरु कमलेश पटेल की प्रमुख उपस्थिति में मौन श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा और सभी गुरुदेव भक्त अपने अपने घरों व शहरों में रहकर ही राष्ट्रसंतों को मौन श्रद्धांजलि देंगे। श्री गुरुदेव सेवा मंडल द्वारा यह निर्णय कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए लिया गया है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर से अमरावती आते समय गुरुकुंज आश्रम को भेंट देने के साथ ही राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज की महासमाधि के दर्शन किए। साथ ही उन्हें देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया। इस समय वर्धा संसदीय क्षेत्र के सांसद रामदास तलस सहित गुरुकुंज आश्रम के पदाधिकारी उपस्थित थे। गत रोज राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल अमरावती शहर के दौरे पर थे। गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार अमरावती पहुंचे दिलीप वलसे पाटिल ने अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के के गाड़गेनगर परिसर स्थित निवास स्थान पर सदिच्छा भेंट दी। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने गृह मंत्री का पुष्पगुच्छ सौंपकर भावपूर्ण स्वागत किया। इस पारिवारिक मुलाकात के दौरान अमरावती शहर के विकास सहित कानून व व्यवस्था की स्थिति को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। राज्य सरकार पर किसानों के साथ जालसाजी व धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पूर्व कृषि मंत्री व भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने चेतावनी दी है कि यदि दीपावली से पहले आपदा प्रभावित किसानों को सरकार की ओर से सहायता नहीं दी जाती तो वे नागपुर स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास रामगिरी बंगले पर लक्ष्मी पूजन वाले दिन काली दीपावली मनाएंगे। डॉक्टर बोंडे ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा पंचनामे व अनुदान वितरण की कार्रवाई को गंभीरतापूर्वक नहीं किया जा रहा। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भैया पवार का रविवार की दोपहर अमरावती आगमन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारियों व भैया पवार के मित्रमंडल द्वारा पंचवटी चौराहे पर उनका भावपूर्ण स्वागत किया गया, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के पुतले पर आदरांजलि अर्पित की। पश्चात ढोल ताशे व आतिशबाजी के बीच उन्हें पंचवटी चौराहे से रैली के साथ रिविन चौराहे तक लाया गया, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर आदरांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात रेलवे स्टेशन चौराहे पर भैया पवार का उनके मित्रमंडल द्वारा भावपूर्ण स्वागत किया गया।
वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा आगामी 14 नवंबर को चांदू रेलवे शहर में संतरा परिषद आयोजित की जा रही है, जिसका नियोजन करने हेतु बुलाई गई बैठक में वंचित युवा आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा ने कहा कि जब तक संतरा उत्पादक किसानों को उनकी फसल का योग्य दाम नहीं मिलता, तब तक वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा अपना संघर्ष जारी रखा जाएगा और विदर्भ क्षेत्र में संतरा प्रक्रिया केंद्र बनने तक वे शांत नहीं बैठेंगे। प्रतिवर्ष शहर के बीचों बीच स्थित साइंस कोर मैदान में दीपावली पर्व से पहले पटाखा बाजार लगाया जाता है, किंतु अब इस मैदान में जॉगिंग व वॉकिंग ट्रैक तैयार किया गया है। ऐसे में यहां पर पटाखा बाजार लगेगा अथवा नहीं, इसे लेकर संभ्रम देखा जा रहा है। वहीं फुटकर पटाखा विक्रेता संघ द्वारा साइंस कोर मैदान पर पटाखा बाजार लगाने की अनुमति देने हेतु जिला परिषद के पास आवेदन किया गया है, जिस पर संभवतः कल सोमवार 25 अक्टूबर को जिला परिषद द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं साइंस कोर मैदान पर रोजाना सुबह शाम जॉगिंग व वॉकिंग करने वाले नागरिकों द्वारा साइंस कोर मैदान पर किसी भी व्यावसायिक उपक्रम को अनुमति नहीं दिए जाने की मांग की जा रही है। विगत बुधवार 20 अक्टूबर को हुए चुनाव पश्चात जिला बैंक के अध्यक्ष पद पर सुधाकर भारसाखले व उपाध्यक्ष पद पर सुरेश साबले निर्वाचित हुए। इन दोनों पदाधिकारियों द्वारा कल सोमवार 25 अक्टूबर को अपराह्न 12 बजे अपना पदभार स्वीकारा जाएगा, ऐसी जानकारी है। इस समय जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख व पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के नेतृत्व में सहकार पैनल की ओर से निर्वाचित सभी संचालक उपस्थित रहेंगे। जिले के सरकारी व निजी ITI संस्थाओं में प्रवेश लेने से जिन विद्यार्थियों का अवसर छूट गया है, उन्हें रिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रशिक्षण महासंचालनालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ऐसे आवेदक 26 अक्टूबर तक संबंधित वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। पश्चात 27 अक्टूबर को संबंधित संस्था में मेरिट सूची लगाते हुए 28 अक्टूबर से रिक्त सीटों के लिए प्रवेश व समुपदेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे जैसे दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इस प्रकाश पर्व को मनाने की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। इसी के तहत इस समय कुम्हारवाड़ा परिसर में कुम्हारों द्वारा मिट्टी के दिए बनाने का काम बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। रुक्मिणी नगर सत्संग मंडल द्वारा विगत दिनों जिले की सांसद नवनीत राणा सहित शहर की महिला पार्षदों की प्रमुख उपस्थिति में कोजागिरी का पर्व बड़े उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में रुक्मिणी नगर परिसर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुशीला गांधी के निवास पर कोजागिरी उत्सव का आयोजन किया गया था। जिले में आज एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया, वहीं एक मरीज को कोविड मुक्त हो जाने के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। इस समय जिले में केवल 4 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 3 व ग्रामीण क्षेत्र के 1 मरीज का समावेश है। इनमें से 2 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है, वहीं मनपा एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1-1 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 179 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.56% की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.34% पर स्थिर है। धामणगांव के निकट तलेगांव दशासर पुलिस थानांतर्गत एक्सप्रेस हाईवे पर नागपुर से औरंगाबाद की ओर जा रहा एक ट्रक ओवरटेक करने के चक्कर में अचानक रास्ते के किनारे पलट गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। इस ट्रक में कोयला लदा हुआ था और ट्रक के पलटते ही डीजल व कोयले के एक दूसरे के संपर्क में आने से ट्रक से आग की लपटें उठने लगी। इस हादसे में ट्रक का चालक मामूली तौर पर घायल हुआ है, जिसे तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं इस हादसे के चलते काफी लंबे समय तक सड़क के दोनों ओर यातायात बाधित हुआ। तलेगांव दशासर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शहर के रविनगर स्थित शिवाजी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ट्यूशन के लिए जाने वाली 15 वर्षीय अल्पवयीन छात्रा के साथ इसी कॉम्प्लेक्स में हेयर सलून चलाने वाले 32 वर्षीय व्यक्ति द्वारा अक्सर छेड़छाड़ की जाती थी, जिसकी शिकायत इस छात्रा ने अपने परिजनों से की थी। शनिवार की शाम 7 बजे इस छात्रा के परिजन पहले से ही शिवाजी कॉम्प्लेक्स परिसर में मौजूद थे और छात्रा के पहुंचने के बाद मोहम्मद सईद मोहम्मद इसराइल नामक आरोपी ने जैसे ही उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू की, वैसे ही मौके पर मौजूद परिजनों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसे राजापेट पुलिस थाने के हवाले किया। मोर्शी तहसील अंतर्गत रिद्धपुर से होकर बहने वाली काशी नदी में एक बैलगाड़ी पुलिया के ऊपर से पलट जाने के चलते बैलगाड़ी में सवार किसान व उसके दोनों बैल बुरी तरह से घायल हो गए। तिवसा तहसील अंतर्गत वरखेड़ निवासी तुलसीदास गोपालराव बोके कुछ दिनों पूर्व एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए पुणे ले जाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एन दीपावली से पहले मोर्शी तहसील अंतर्गत पिछोरी गांव में जलापूर्ति योजना का विद्युत कनेक्शन काट दिए जाने की वजह से गांव में पेयजल की आपूर्ति ठप हो गई है। ऐसे में आगामी 2 दिनों के भीतर जलापूर्ति को सुचारू नहीं किए जाने पर तलेगांव दाभेरी स्थित महावितरण कार्यालय पर घाघर मोर्चा ले जाने की चेतावनी शिवसेना की ओर से दी गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हां सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।